सभी को मेरा नमस्कार। मदर अमेरिका डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वाच्य। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? वाच्य। देखो, वाच्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी परिभाषा जाननी कि वाच्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो वाच्य की परिभाषा, ठीक, तो वाच्य की परिभाषा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान विधान का केंद्र बिंदु विधान का केंद्र बिंदु करता है कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य की परिभाषा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, कि कौन बोलने वाला है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य उसे कहते हैं जिन क्रियाओं से या क्रियाओं के परिवर्तन से हमें ये पता चलता है कि काम करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण है मोहन मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता कौन है? यहाँ पे मोहन है। ठीक है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोहन है ये क्या है? हमारा वाच्य है। ठीक है, ये हमारा वाच्य शब्द है। जैसे दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे सोहन खाना खा रहा है। सोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य में भी देखो, खाना कौन खा रहा है? खाना खाने का काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। ठीक है, तो ये सोहन क्या है यहाँ पे? ये हमारा वाच्य शब्द है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें क्या होता है कि काम करने वाला, जिन वाक्यों में हमें ये पता चलता है कि काम करने वाला करता है, कर्म है या भाव है, उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब वो देखो वाच्य के भेद, वाच्य के भेद। अब वाच्य के दो प्रकार के होते हैं वाच्य। ठीक है, पहला है कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य। ठीक है, पहला है कृतवाच्य, दूसरा है अकृतवाच्य। अब पहले हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। कृतवाच्य की परिभाषा है कि जिस
वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्ता प्रमुख होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य कहाँ पे होता है? जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्ता मतलब जो काम करने वाला है वो मुख्य होता है, ठीक है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है, जैसे जहाँ पे क्या होता है वो मुख्य होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि मोहन, पहला है मोहन खाता है, मोहन खाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन क्या है यहाँ पे? करता है, काम करने वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोहन वाच्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करता काम कर कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण है, लड़की गाती है, लड़की गाती है, ठीक है, तो यहाँ पे गाने का काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। मोहन खाता है, तो यहाँ पे मोहन हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। लड़की गाती है, तो लड़की गाने का काम लड़की कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लड़की हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है हमारा अकृतवाच्य, अकृतवाच्य, ठीक है, तो अकृतवाच्य सबसे पहले हम अगर हमें जानना है तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है, गौण अथवा लुप्त होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं, अकर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। अकर्तृवाच्य की परिभाषा है कि अकर्तृवाच्य कहते हैं जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है, मतलब जिन वाक्यों में कर्ता या तो छोटा होता है या लुप्त, मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे कि आपका काम कर दिया गया है, ठीक है, आपका काम कर दिया गया है, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, जो करता है उसका पता नहीं चल रहा है कि काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, ठीक है, केवल ये पता लग रहा है कि काम हो चुका है, हो रहा है, ठीक है, तो आपका काम कर दिया गया है। इस वाक्य में हमें ये पता नहीं लग रहा है कि काम किसने किया है, काम करने वाला कर्ता कौन है, क्योंकि कर्ता इस वाक्य में लुप्त हो रखा है, ठीक है। अब उसके बाद है अकर्तृवाच्य के भी भेद हैं, ठीक है, अकर्तृवाच्य के भेद, अब अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, ठीक है, पहला है कर्मवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, ठीक है। अब देखो, पहला कर्मवाच्य, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है कि कर्मवाच्य कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, इसके कारण वाक्य में
या तो कर्ता, या तो कर्ता का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, अथवा कर्ता की बात या कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, देखो कर्मवाच्य किसे कहते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की मतलब जो काम हो रहा है उसको वह मुख्य होता है, जो भी काम हो रहा होगा वह मुख्य रहता है। ठीक है, इसके कारण वाक्य में या तो कर्ता का लोप हो जाता है, या तो वाक्य में क्या होता है कर्ता मतलब जो काम करने वाला है या तो वह छिप जाता है, वो लोप हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, या कर्ता के बाद से लगता है, द्वारा लगता है, या के द्वारा, इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे, पहला उदाहरण है प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, ये है। ठीक है, कर्ता के बाद मैंने कहा था या तो कर्ता के बाद लोप हो जाता है, या कर्ता के बाद द्वारा के द्वारा या से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, प्रेमचंद, इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, द्वारा लगा है। ठीक है, जैसे दूसरा है, दूसरा उदाहरण है कि राम के द्वारा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया। ठीक है, अब राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है, उसके बाद मैंने कहा था के द्वारा, यहाँ पे क्या हो गया है, के द्वारा लगा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी द्वारा लेता है वाक्यों में, के द्वारा या से रहता है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, जैसे तीसरा उदाहरण है मोहन से मेज टूट गई। ठीक है, मोहन से मेज टूट गई। अब यहाँ पे मोहन क्या है, यहाँ पे कर्ता है, उसके बाद क्या लगा है, से लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कर्मवाच्य। जन यहाँ पे भी वाक्यों में क्या होता है, या तो कर्ता का लोप हो जाता है, कर्ता दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या कर्ता के बाद द्वारा के द्वारा से लगा रहता है, तो वो कर्मवाच्य, वहाँ उन वाक्यों में कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो कृतवाच्य का जो दूसरा भेद था वो है हमारा, वो है भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी परिभाषा है कि भाववाच्य किसे कहते हैं। तो भाववाच्य की परिभाषा है जहाँ क्रिया का केंद्र, क्रिया का केंद्र भाव होता है, भाव होता है, भाव होता है, या क्रिया के साथ भाव होता है, क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता तथा होता, वहाँ क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, तो भाववाच्य किसे कहते हैं, जहाँ क्रिया का केंद्र भाव होता है, मतलब जो क्रिया है उसका जो जो क्रिया रहती है वो भाववाच्य में होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, मतलब क्रिया के साथ कोई काम, क्रिया कर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है यहाँ पे,
उदाहरण है मुझसे, उदाहरण है मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता। जो ये चला है हमारा क्या है, एक भाव है। चलना क्या है, एक भाव है। ठीक है, जैसे दूसरा है मुझसे सोया नहीं जाता। ठीक, मुझसे सोया नहीं जाता। अभी सोया यहाँ पे क्या है, ये भी भाव है। ठीक है, तो भाववाच्य में हमारी क्या पहचान है कि जिन वाक्यों में क्रियाकार जो क्रिया रहती है वो क्या रहती है, भाववाच्य में रहते हैं भाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो ये चला क्या हो गया, हमारा भाव हो गया। मुझसे सोया नहीं जाता, सोया क्या हो गया, हमारा भाव। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, चला, खाया, पिया, सोया, जाया, ये सारे के सारे हमारे भाववाच्य में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।